नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं व्हाट्सएप के मेटा एआई पर लेकर आए हैं और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एआई आपके लिए। पहली बात तो दोस्तों, पूरी तरह से फ्री है और इसके लिए आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। आपके व्हाट्सएप में ही ये इनेबल हो गया है। ये आप जो सबसे ऊपर देख रहे हैं आस्क मेटा एआई और सर्च, आप इस पर टैप कीजिए। आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपको देखिए दिख रहा है इस तरीके से कुछ सेशंस देता है ये, और हम यहाँ से चलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये लिख रहा है कि आप कुछ ही पूछ लीजिए। ये देखिए, ये काफ़ी सारे इन्होंने सैंपल दे रखे हैं। इन सैंपल्स को मान लीजिए आप यहाँ से कोई भी जो है उठा लीजिए और आप उस पर जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो है मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 टिप्स ऑन बिल्डिंग अ पीसी पर टाइप कर दीजिए, तो ये हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। और अब ये देखिए यहाँ पर ये इसने लिख के दे दिया है, बिल्डिंग अ पीसी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, हेयर आर 5 टिप्स टू हेल्प यू थ्रू दी प्रोसेस। ये 5 टिप्स इसकी आ गई हैं। अगर आपको पसंद आया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप जो है इसको फिर से बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिख देते हैं राइट मेल टू माय कंपनी फॉर मेडिकल लीव। ये आपकी कंपनी के लिए मेडिकल लीव के लिए एक मेल लिखना है, तो मैं यहाँ पर इसको भेज देता हूँ। अब ये मेल लिखना शुरू करेगा। ये सैंपल आ गया है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट है मेडिकल लीव के लिए, डियर यहाँ पर नेम आ जाएगा उनका, ये इसने लिख के दे दिया है। और आप इसको और जाकर देख लीजिए, ये आपको सिंसियरली ये एक शॉर्ट मेल इन्होंने लिख के आपको दे दिया है। इस मेल को आप उठाइए और जो भी आपको बीमारी डिस्क्राइब वगैरह करनी है, कब से कब तक लेना है, यहाँ पर लगा दीजिए और ये इजीली जो है आपको इसका जो है आंसर मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं ब्लॉग पोस्ट लिख देता हूँ, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। ये इस तरीके से मान लीजिए हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। ये इसका टाइटल का टैग आ गया है, अनलॉकिंग द पावर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, चैलेंजेस और फ्यूचर्स क्या है, कंक्लूजन क्या क्या है। देखिए दोस्तों कितने जल्दी मेटा एआई ने आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखकर दे दिया है। खास बात यह है ये एआई जनरेटेड है, तो कॉपीराइट का कोई इशू बनता ही नहीं है। इसका एक और बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों, आपको यहाँ पर लिखना है इमेजिन। ये एक प्री डिफाइंड इनका फंक्शन है, देखिए इसका रंग भी बदल गया है। अब आपको इमेजिन करना है, और इमेजिन करना है कुछ इस तरीके से कि आप कोई इमेज बनाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है। और हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ताजमहल, मैं यहाँ पर ताजमहल की एक फ़ोटो चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है। और ये लिखने के बाद जो है देखिए यहाँ पर ये प्रीव्यू आ गया है और कितनी शानदार इमेज बनाकर जो है दिखाई गई है। ये देखिए, आप इस इमेज को देखेंगे, ये जनरेट हो रही है नीचे। अभी आपको सैंपल दिखाया गया था। ये देखिए दोस्तों, इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको देखेंगे, ये इमेज आ गई है ताजमहल की बनकर। आप इसकी क्वालिटी देख लें, आप इसको कितना ही जूम कर लें, ये प्रॉपर HD में बनाई गई है और ये AI जनरेटेड है दोस्तों। कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसको, और इसका कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं आना है, क्योंकि ये इमेज आज किसी भी सर्वर पर, नेटवर्क पर पहली बार आई है, तो ये अभी आपकी कहला रही है। आप इसका यूज़ कीजिए, आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम जो है इसको नहीं देगा। इस तरीके से दोस्तों आपको सिर्फ इमेजिन करना है, यहाँ पर लिखना है इस कीवर्ड को, ये इमेजिन। और इमेजिन करने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं एनिमल्स इन द गार्डन। ये देखिए, ये इसको जैसे जैसे हम कीवर्ड देते जाते हैं ये लिखकर आ जाता है। और ये देखिए एक बनकर आ गया है, और मैं यहाँ पर अब इसको कमांड दे चुका हूँ, ये इसको जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद आपको सिर्फ इमेजिन कीवर्ड को लिखना है। देखिए यहाँ पर इसने लिखकर भी दे दिया है कि व्हाट आई इमेजिन फॉर यू, आई एम आल्सो टेकिंग अ फ्यू मोर सेकंड्स टू जनरेट ए हायर रेजोल्यूशन इमेज। ये देखिए अलग अलग इमेजेस ये बनाकर दे रहा है,
और ये कितनी खूबसूरत इमेज बनाई हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये जो है गार्डन है, एनिमल्स हैं अलग अलग प्रकार के, और ये AI जनरेटेड इमेज है। और यहाँ पर आप देखें, ये दिख रहा है ये इमेजिन्ड विद AI, यहाँ पर एक लिखकर आ रहा है ये AI से इमेजिन किया गया है, तो किसी का भी इस पर कॉपीराइट नहीं होगा। इस तरीके के काम मेटा AI जो है आपको करके दे रहा है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर अब कुछ हिंदी में लिखकर देखता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ देश की राजधानी के बारे में जानकारी दीजिए। ये मैंने हिंदी में इसको लिख दिया है दोस्तों। अब देखते हैं क्या होता है। मैं आपको देश की राजधानी के बारे में जानकारी दे सकता हूँ, अपने देश का नाम बताएं ताकि मैं आपको उसकी राजधानी के बारे में जानकारी दे सकूं। फिर भी इसको पता था कि ये भारत से चल रहा है, तो इन्होंने बोल दिया है भारत की राजधानी के बारे में बात करते हुए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है जो देश के उत्तरी भाग में स्थित है। नई दिल्ली को भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और अनेक सरकारी कार्यालय स्थित हैं। अगर आपका प्रश्न किसी अन्य देश की राजधानी के बारे में है तो कृपया मुझे बताएं। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी हाँ मुझे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में बताएं। मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में जानना है। तो अब ये यहाँ पर शुरू हो गए हैं कि राजधानी कैनबरा है, देश के दक्षिणी पूर्व भाग में है। कैनबरा को इस साल में राजधानी बनाया गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे तरीके से ये मेटा AI चल रहा है। जस्ट आपको करना क्या था, ये आपका व्हाट्सएप रहा और ये आपको मेटा AI दिख रहा है, यहाँ पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद आप इसे जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और आपको मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप आप सभी चलाते हैं, उसी में इसको इनबिल्ट कर दिया गया है। और इस मेटा AI का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ एक चीज़ और, मेटा AI क्योंकि फेसबुक पर भी रन कर रहा है, इंस्टाग्राम पर भी रन कर रहा है, तो ये सेम जो है कंपनी मेटा AI तीनों जगह आपको सेम सेवाएं दे रही हैं। आपको इंस्टेंटली अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग कोड और लिख कर आपको दिखा देते हैं। राइट अ पाइथन कोड टू एट थ्री नंबर्स। मैं तीन नंबरों को जोड़ने के लिए एक पाइथन का कोड इससे लिखवाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये सिंपल पाइथन कोड आ गया है, ये फंक्शन आ गए हैं तीन। यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया है एट थ्री नंबर से, तीन नंबर ले लिए हैं फ्लोट से इनपुट में कन्वर्ट कराने के बाद। यहाँ पर इसको रिजल्ट में सम करा दिया गया है। सम कराने के बाद ये यहाँ पर लिख कर दे दिया गया है। और आपको अगर समझना है तो प्रॉपर डिस्क्राइब भी किया गया है। दिस कोड डिफाइंस अ फंक्शन दैट टेक्स थ्री पैरामीटर, रिटर्न देयर सम, देन इट टेक्स थ्री नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड कॉल्स द फंक्शन विद दिस नंबर, फाइनली इट प्रिंट्स द रिजल्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा आपके काम आ सकता है, हर फील्ड के लोगों के लिए ये काम आ सकता है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने दोस्तों की वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।